आजाद जनता पार्टी द्वारा संयुक्त पुलिस परिवार की 2800 रुपए ग्रेड पे यूनियन वेतन भत्तों इत्यादि की मांग को लेकर दुर्ग से विधानसभा रायपुर तक शांतिपूर्ण व संवैधानिक तरीके से पद यात्रा कर मुख्यमंत्री व गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपने रवाना हुए। आजाद जनता पार्टी द्वारा अपनी 59 बिंदुओं की मांग को लेकर शुक्रवार को दुर्ग के पटेल चौक से रायपुर विधानसभा पहुंच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें बताया गया कि संयुक्त पुलिस परिवार, जिला बल, सशस्त्र बल, DSF, गोपनीय सैनिक, जेल विभाग, नगर सेना इत्यादि की मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महत्वपूर्ण मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिससे राज्य के जवानों व उनके परिजनों को जीवन यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य का बजट सत्र 2024-25 भी चल रहा है, इसलिए संयुक्त पुलिस परिवार की समस्त मांगों को पूरा करवाने हेतु आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष उज्ज्वल दीवान की अगुवाई में आजाद जनता पार्टी के सदस्यगण व आमजन संयुक्त पुलिस परिवार की मांगों को लेकर रवाना हुए। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अध्यक्ष उज्ज्वल दीवान हूँ। हम आजाद जनता पार्टी की तरफ से संयुक्त पुलिस परिवार, जिसमें जिला बल, सशस्त्र बल, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, DSF, जेल प्रहरी, नगर सेना, वन विभाग, आबकारी विभाग, आपका ट्रांसपोर्ट विभाग और माइनिंग विभाग के जितने भी सिपाही हैं, इन सभी की आवाज उठाने के लिए हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। 59 बिंदुओं की हमारी मांगे हैं, जिसमें सबसे मुख्य बिंदु 2800 रुपए ग्रेड पे सिपाहियों का किया जाए, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। दूसरा, यूनियन की मांग है। तो इन सब बातों को लेकर जब हम माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी के पास जाने वाले थे पदयात्रा करके दुर्ग से रायपुर, तो गृह मंत्री महोदय के निवास से हमारे पास सूचना आई है कि वो हमसे मिलना चाहते हैं और हमारी बात सुनना चाहते हैं, तो हम पद यात्रा को स्थगित कर दिए और रायपुर में गृह मंत्री जी के पास जाकर अपना ज्ञापन उनको प्रस्तुत करेंगे। जी, अब साधन से जाएंगे, क्योंकि पदयात्रा अब माननीय महोदय जी को जो हमें संदेश देना था तो वो संदेश सुनने के लिए वो तैयार हैं, तो हम उनको अच्छे से और जाकर आमने सामने समझा पाएंगे बात को। अब तक छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पुलिस परिवारों की मांग की अनदेखी करना समझ से परे है। देखना होगा कि आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई यह पदयात्रा पुलिस परिवारों को न्याय दिला पाती है अथवा नहीं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।